This is again a very important question, and it is very close to my heart, either education or health. Therefore, you have seen that in the constitutional amendment, in the 18th amendment, we have given the responsibility of education and health to the provinces. And we have devolved those ministries, and they'll be going to the provinces, and we have given more resources to the provinces so that they make better strategies and they should work together and make the standard of education very effective and to the standard of international standard, so that we can compete with the rest of the world. I assure you that our standard would be improved. And moreover, as you have mentioned, that the private the private schools, they are very expensive, and the government schools, their standard is not good. Therefore, we are going for a private government and private partnership, so that we can become more effective, and we should complement each other. और ये स्टैंडर्ड जो बहुत ज्यादा हैं हमारे यहाँ, उनके ऊपर भी आप समझते हैं कोई यूनिफाइड किस्म का स्टैंडर्ड हो? स्टैंडर्ड की बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उर्दू मीडियम, फिर उसमें मदरसा है, अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अगर हो जाएगी तो उस पर कोई इफेक्टिवली हम उस पर इवॉल्व कर सकते हैं, और उस पर ज्यादा चूंकि गवर्नमेंट का इन्हसार कम होना चाहिए ऑन एजुकेशन, वी शुड गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक. अच्छा, प्राइवेट इंडिया के साथ कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है हमारा? ये बताइए कि मुंबई की इंक्वायरी के ऊपर एक डेडलॉक लगता हो गया, कुछ आर वी गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट? देखिए, इंडिया का जो है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरी कई मुलाकातें हुई, एक दो मरतबा आप भी शर्म और शेख में मौजूद थे, और हमने कमिटमेंट किया कि हम होस्टेज नहीं बनाना चाहते दो नेशंस को ऑन वन इंसिडेंट मुंबई अलोन. और फिर उसके बाद आपने देखा, जब मनमोहन सिंह साहब वापस गए तो उनको पार्लियामेंट के अंदर प्रेशर था या वहां का पब्लिक प्रेशर था, और उसकी वजह से फिर पेशरफ्त ना हो सकी. फिर काठमांडू में हमने फिर मुजाकरात किए, और फिर हम इस चीज पे आ गए कि ठीक है, हम पेशरफ्त करना. फिर फंस गए तो अब कहीं आगे बढ़ेंगे या? तो उसके लिए ये है कि मैं समझता हूं कि उनके ऊपर या पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है या अपोजिशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मगर मैं समझता हूं कि डायलॉग इज द ओनली आंसर, दैट्स ओनली वे फॉरवर्ड. क्योंकि वी कांट अफोर्ड वॉर्स, वी कैन ओनली अफोर्ड कि हमें डायलॉग करना चाहिए, और वो होगा. कॉल ले लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी कहाँ से फरमा रही हैं, नाम अपना प्लीज बताइएगा. जी मैं सना बात कर रही हूँ लाला मूसा से. जी प्लीज. जी मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि बिजली और गैस जो है वो दो बुनियादी जरूरियात हैं आवाम की, लेकिन इन दोनों की जो लोड शेडिंग है वो इतनी बढ़ गई है कि ना सिर्फ सनतों का पहिया रुक गया है, बल्कि अब तो गरीब लोगों के घरों के चूल्हे भी जो है वो ठंडे हो गए हैं. तो कुछ बताएंगे हमें कि हम लोग कब तक इस मुसीबत में मुब्तला रहेंगे? देखिए, ये जो दो आपने इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात की, जहां तक बिजली की आपने बात की, तो मैंने आपसे जिक्र किया कि हमने तकरीबन 2000 मेगावाट इस साल ऐड किया है, और इतना ही हम एक साल के अंदर और ऐड करेंगे. लास्ट ईयर जब इन्हीं दिनों, उस वक्त तकरीबन 2400 मेगावाट की शॉर्टफॉल थी, 4000 एंड समथिंग, और इस दफा 2400 मेगावाट की कमी है, यानी कि 50% लेस हुई है. मगर बिजली के सेक्टर में आप देखेंगे कि हमने थर्मल पे, हमने हाइडल पे, हमने रेंटल पे, हमने न्यूक्लियर पे और विंड मिल पे हमने काम शुरू किया हुआ है, और इंशाल्लाह हम थरकोल जो है और ड्यामीर भाषा डैम जो है उस पे भी हम काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम दूसरे ममालिक से भी हम बिजली के जो हैं उन वायदे हमने किए हैं कि हम ईरान से भी ले सकें, और दूसरे एरिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी हम ले सकें. जहां तक गैस का ताल्लुक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे भी हमारा मुआहदा हो चुका है, और हमारा जो दूसरा टपी जो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, उस पे भी हमने गैस पाइपलाइन. बड़ा टाइम लगेगा इन चीजों पे, लोगों की तो बड़ी मैं आपको, आपने थोड़ा सा मुझे डाइवर्ट कर दिया, मगर मैं बताऊं कि देयर आर शॉर्ट टर्म, देयर आर मीडियम टर्म, देयर आर लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट्स.
तो इसलिए एक शॉर्ट टर्म है उस पर भी 3-4 साल लगते हैं, और अगर मीडियम टर्म हो तो 5 से 7 साल, और लॉन्ग टर्म अगर हो तो वो 10 साल भी लगते हैं। तो इसलिए चूंकि साबका हुकूमतों में ये काम नहीं हुआ तो इसलिए इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम। मगर आई अश्योर यू हमने LNG के लिए भी हमने मुआहदे कर लिए हैं, और इस LNG के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दे दी है कि वो भी काम करें, हमने प्रोविंसेस को भी इजाजत दे रहे हैं। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, स्टेबिलिटी की जब बात की जाती है, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सियासी हलकों में भी मीडिया के अंदर भी आपके जाने की बातें की जा रही होती हैं, डेट्स दी जाती हैं, टाइम दिया जाता है, 1 हफ्ता रह गया, 3 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मतलब हाउ यू इंश्योर द पब्लिक, इस वक्त लोग सारी पाकिस्तानी कौम आपको देख रही है, देखें, इस मुल्क के अंदर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें, पहली बात है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, आई टोटली एग्री विद यू, इट लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और मैंने परसों भी सेनेट में यही कहा था कि जब आप स्पेकुलेशन की बातें करते हैं, जब अफवाहों की बातें करते हैं, उससे हुकूमतें तो नहीं जाती, मगर उससे परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, उस पर स्टॉक एक्सचेंज गिर जाते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, उस पर लोगों की वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप एक अच्छा काम ये करें कि कम अज कम आप इस किस्म की स्पेकुलेशन से इज्तनाब करें। बाकी जहां तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इट इज स्टेबल, और उसके इन अफवाहों से हुकूमतें नहीं जा सकती। वैसे ये बताएं कि पिछले दो साल तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी रहे हर एक का टारगेट, अब पिछले साल में सबकी नजरे करम आप पे, टारगेट आप हैं, आपकी टीम है पिछले एक साल में, तो क्या अब आप टीम बदलेंगे, किस तरह से एक है ना ये मैं आपको बताऊं कि पहले 18वीं तरमीम से कबल चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि इतनी अमेंडमेंट्स हुई कि एट वन टाइम जो जनरल मुशर्रफ साहब थे, ही वॉज वेयरिंग 4 हैट्स, ही वॉज द आर्मी चीफ, ही वॉज द ज्वाइंट चीफ, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही वॉज द प्रेजिडेंट। इसलिए सारा मंबा जो मंबर था वो नजर आता था कि वो प्रेजिडेंट है। जब 18वीं तरमीम हुई तो बैलेंस ऑफ प्रेजिडेंसी और पार्लियामेंट हो गई और चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बन गया। मगर जो मेरे ऊपर जो कर्म किया जा रहा है वो ये है, बहुत कर्म हो रहा है आजकल, तो बिल्कुल आप नहीं, इस पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले वो समझते थे कि जो सदर साहब को हिट करना चाह रहे थे और उनके ऊपर कई बातें करना चाह रहे थे, तो वो मैं रास्ते में था। अब वो ये समझते हैं कि उन तक पहुंचने के लिए पहले तो इनको फारिग किया जाए। अच्छा, तो अब उस पे सारा टाइम टाइम परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम भी तो है, नसीब टाइम बिल्कुल हमारे पास शॉर्ट है। अच्छा नहीं, आवाम पर चले जाए इससे पहले कि हमें पीएम साहब, आप एक तो नया साल जो है मुबारक हो हमारे नाज़रीन को भी, आपको भी, आप कोई फाइनली कोई हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? खत्म हो गया प्रोग्राम जी, जाहिर है जी, टाइम खत्म हो गया, बचाना चाह रहे हैं, वो पीटी हुई है, वो आपको प्रोटेक्ट करें, नसीम आप घड़ी तो देख लेना कि टाइम क्या हो रहा है, बिल्कुल वियर। आप न्यूज जो है ना, न्यूज की तरफ जाना है, आप कोई पैगाम अगर देखें, ये मैं आपकी वसात से पूरी कौम को नए साल की मुबारक पेश करना चाह रहा हूँ, और उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि डेमोक्रेसी जो है वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए, वो फिर भी डिक्टेटरशिप से बेहतर है, और इसलिए हम आप ही के नुमाइंदे हैं और आप ही में वापस आना है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम फिर दोबारा इलेक्ट ना हो, तो इसलिए आपको हम पर ट्रस्ट करना चाहिए, और इंशाल्लाह ये सिस्टम भी रहेगा, डेमोक्रेसी भी रहेगी, ये राइट्स ऑफ द मीडिया भी रहेंगे, और जुडिशरी भी आजाद रहेगी, और आपकी गवर्नमेंट भी काम करती रहेगी, और पब्लिक इज द बेस्ट जज। जब 5 साल के बाद हुकूमत का जो टाइम होगा, फिर नए इलेक्शन होंगे, तो उस पे पब्लिक वुड डिसाइड वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट अस और दे वांट अ चेंज। जी नाज़रीन, बहुत ज्यादा कॉलें जो है, प्रोड्यूसर जो है पूरे 50 मिनट से मेरे कान में कहते रहे कॉल लें कॉल लें कॉल लें। यकीनी तौर पे ये पहला मौका था, एक पहला एक्सपीरियंस था कि प्राइम मिनिस्टर सरबराह हुकूमत पहली दफा
यहाँ पे लाइव कॉल्स आपकी ली और उनके सवालों के जवाब दिए। इम्पॉर्टेंट जो चीजें थी, एनर्जी का जो इस वक्त बहरान है मुल्क के अंदर, उसकी वजह से जो परेशानी है, महंगाई है, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो आपके सामने पेश की हैं, और ये सिलसिला आज खत्म नहीं हो रहा, ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। और क्लोजिंग के लिए ओवर टू नसीम। नहीं, बस इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं कि ये एक बड़ा अहम एक नशिस्त थी और यकीनन इसको जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्टेड हैं और आपके जो सबसे ज्यादा मसाइल हैं उनको डायरेक्टली सुनने की जरूरत है। और यकीनन जो आप लोगों ने बार बार बात की, एक महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, लोड शेडिंग, गैस की शेडिंग और करप्शन की बात की, ये यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब को जहन पजीर कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आगे जाके उनको इलेक्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगे लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा आपका, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए इस लाइव शो में फॉर बोथ पीटीवी एंड दुनिया। जी ऑफकोर्स, नाज़रीन ये सिलसिला जो है आगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आगे भी जारी रहेगा इंशाल्लाह, ताकि आपकी डायरेक्ट जो हुक्मरान हैं उनके साथ अपने सवाल जो हैं वो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकें, उनके जवाब ले सकें। आज के लिए वहीद हुसैन को, नसीम ज़ारा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।